नौकरी में युवा परेशान है, नौकरी की प्रक्रिया शुरू होती है तो इसमें धांधली की खबर सामने आ जाती है, जिसके बाद कोर्ट प्रक्रिया पर रोक लगा देता है। परीक्षाएं होती हैं तो पेपर समय से पहले ही बाहर आ जाता है, पेपर लीक होने के चलते परीक्षाएं रद्द करनी पड़ती हैं, जिससे छात्रों की परेशानी बढ़ जाती है। हाल ही में यूपी बोर्ड परीक्षा में पेपर लीक होने का मामला सामने आया था और अब एक बार फिर पेपर लीक होने की खबर आई है। आगरा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की बीएससी थर्ड ईयर मैथ्स और जूलॉजी का पेपर होना था, लेकिन परीक्षा कक्ष में पहुंचने से एक घंटे पहले ही पेपर कई छात्रों के पास पहुंच गया। कॉलेज के बाहर झुंड में खड़े होकर छात्र पेपर हल कर रहे थे। छात्रों के मोबाइल पर पेपर सर्कुलेट हो रहा था, जबकि इसकी जानकारी विश्वविद्यालय प्रशासन को लगी तो खलबली मच गई। आनन फानन में पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच गयी। करीब 10 छात्र छात्राओं के मोबाइल जब्त कर लिए गए। हालांकि जिन छात्रों के मोबाइल जब्त किए गए हैं, उन्हें प्रशासन ने परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी। पुलिस और प्रशासन की टीम अब ये पता लगा रही है कि पेपर लीक कैसे हुआ। वहीं मामले में एसपी सिटी विकास कुमार ने बताया कि मामले में जब्त किए गए मोबाइल से पेपर आउट होने के चयन सिस्टम का पता किया जाएगा। छात्रों के पास किसने पेपर पहुंचाया, इन सब की जानकारी जुटाई जा रही है। जो भी पेपर आउट करने में दोषी पाया गया उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बार भी प्रशासन ने ये भी कहा कि मामले की छानबीन चल रही है। हर बार छानबीन तो चलती है लेकिन कार्रवाई नहीं की जाती। अब देखना होगा कि इस मामले में कब तक कार्रवाई